सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। आज हम स्केल नंबर 6 नाइन्थ क्लास की है, स्केल नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने इसकी कागज बांट करवाई थी, तो अब मैं इसको सॉल्व करके आपको बताता हूँ। हमने इसमें हुट्टा यूज करना है 1.10 सेंटीमीटर, और ये जो आपकी स्केल है ये बुक केस की स्केल है जिसमें हम किताबें रख सकते हैं, उस तरह का एक केस बना हुआ है। तो इसका हमने पहले एलिवेशन बनाना है। एलिवेशन में इसमें सबसे पहले दो फट्टियाँ बनी हुई है, 2-2 सेंटीमीटर की है, उसमें फिर आगे खाने बने हुए हैं, तो हम यहाँ से 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं। यहाँ से हम 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं, 2 सेंटीमीटर हम यहाँ भी ले लेंगे, और इधर भी हम दो सेंटीमीटर दोनों जगह निशान लगा देंगे इस तरह से। और हम इस 2 सेंटीमीटर को डार्क मिलाएंगे सबसे पहले, ये है मुश्किल नहीं है इस तरह से। यहाँ भी ये देखिए इस तरह से 2-2 सेंटीमीटर हमने दोनों स्केल लगा दिया है। अब इसमें नीचे से फट्टी है 10 सेंटीमीटर पे, तो हम यहाँ पे 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं पहले, 10 के बाद 2 है, 10 की दूरी पे 2 सेंटीमीटर मोटी फट्टी लगी हुई है। यहाँ पे दूरी है 10 सेंटीमीटर और फट्टी की मोटाई है 2 सेंटीमीटर इस तरह से। पहले ये हमारी आगे है, इसके बाद हमारा है 20 सेंटीमीटर के बाद 2 सेंटीमीटर, तो यहां से हम 20 सेंटीमीटर ले लेते हैं, फिर हमारा है 2 सेंटीमीटर, ये आप देख रहे हैं यहां से 20 के बाद 2 सेंटीमीटर, और ये 20 सेंटीमीटर हमारा ऊपर बच जाएगा। ये आप देख सकते हैं, देखिए बिल्कुल बराबर बच रहा है, ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे निशान है, ये देखिए 20 सेंटीमीटर पूरा हमारा बच रहा है, तो ये हमारा बिल्कुल सही माप हमारे है, हम ये ले रखे। ये भी हमारी अंदर डार्क आई, इस तरह से। और अब इसमें यहाँ पे साइड में जो है, जब हम इसकी साइड देखते हैं तो एक 5 सेंटीमीटर की हाइट पे कट लगा हुआ है, तो वो हमने डॉटेड लगाना है यहां से 5 सेंटीमीटर साइड में, वो डार्क आएगा और एलिवेशन में वो डॉटेड आएगा। मैंने पहले भी आपको बताया कि जो चीज हमें नहीं दिख रही है पर वो है उसको हम डॉटेड लगाते हैं। जैसे ये है कट, ये लगा हुआ है, बट ये हमारे को डार्क नहीं, सामने से नहीं दिख रहा है, तो ये हमने यहाँ पे इस तरह से डॉटेड शो कर देना है। तो इस तरह से आपकी एलिवेशन बन के तैयार होगी। अब हमने बनानी है साइड। तो साइड बनाने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले 2 सेंटीमीटर की इसमें फट्टी लगेगी, पीछे से इसमें फट्टी लगी हुई 2 सेंटीमीटर की। जब आप इन खानों में बुक्स रखोगे तो पीछे उसकी रोक के लिए पीछे फट्टी होगी ताकि वो किताबें नीचे ना गिरें। तो यहाँ पे मैं 2 सेंटीमीटर की फट्टी लगा रहा हूँ, और ये फट्टी जो हमारी आएगी ये डॉटेड आएगी एक बात, दूसरा ये जो फट्टी आएगी ये जो आपकी रेखा है इससे ऊपर रहेगी, इसलिए मैं यहाँ से सबसे पहले ये वाली लाइन लगा लेता हूँ, ये आपकी डॉटेड आएगी यहाँ पे, यहाँ तक, और अब हमने 2 सेंटीमीटर की फट्टी लगानी है
इस तरह से। और हमने इसका प्रोजेक्शन लेना है जो ये आपकी 2 सेंटीमीटर मोटी है। इस तरह समझ लेंगे। और अब हमने ये 20 सेंटीमीटर पर काट रखा है, इसके भी हम 2 सेंटीमीटर मोटी जो फट्टी है 20 के बाद, इसके भी हम यहाँ पे डॉटेड प्रोजेक्शन लेंगे। इस तरह से हम इसके पोजीशन लेंगे। और अब हमने ये सिर्फ यहीं तक है, तो हमने क्या करना है इसमें नीचे जो है वो यहाँ पे जो मैंने ये 5 mm लगाया था, 5 सेंटीमीटर के बाद हमने यहाँ पे डॉटेड लगाया था, वो यहाँ पे डार्क है, यहाँ पे वो डार्क है। तो उसकी दूरी हमने कितनी रखनी है ये मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जो आपकी लेंथ है, ब्रेथ जो है आपकी, ये ब्रेथ की दूरी है 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर फट्टी है 5 सेंटीमीटर की। ये हमारा है यहां से 5 सेंटीमीटर हाइट है, तो ये 30 का है, 10-10 की इसमें दूरी रहनी है 10 सेंटीमीटर के बाद, ये आपका 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर इसमें बीच में कट है और 10 सेंटीमीटर ये आपका पीछे बच जाएगा यहां पे इस तरह से। ये देखिए आप, ये देखो यहां पे ये 10 सेंटीमीटर आ गया है इस तरह से, और इसकी ऊंचाई जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो उसके लिए मैं यहाँ से प्रोजेक्शन ले लेता हूँ सीधे, आपका जो ये 5 सेंटीमीटर हमने एलिवेशन में काट रखा है इसी का, यहाँ से ये आप देख सकते हैं, और यहाँ मुझे दिख रहे हैं इसके निशान फुट्टे के नीचे, ये यहाँ तक है। तो मैं इसको ऐसे डार्क ले लेता हूँ, और अब जो हमारी ये रेखाएँ हैं, जैसे मेरी ये रेखा है, इसी के समानांतर में यहाँ से डार्क लाइन लगा दूंगा, इसी के समानांतर में यहाँ से इस तरह से ये आपकी डार्क लाइन हमने लगा दी है। और ये जो आपका है ये डार्क आपका आएगा इस तरह से, आपने ये इसमें बनाना है इस तरह से। तो ये आपकी जो साइड है वो भी बनके तैयार होगी, साइड में इतना ही कार्य इसका था। अब हमने इसके प्रोजेक्शन लेने हैं नीचे, प्रोजेक्शन में प्रोजेक्शन सेक्शन जो हमारा है यहाँ से, ये हमारा डॉटेड आ गया है 2 सेंटीमीटर का, और ये हम ले लेते हैं यहाँ से 5 का, क्योंकि इसके जो प्रोजेक्शन है वो प्लान में भी जाएंगे, और प्लान में ये डॉटेड लाइन इसकी आएगी, और इस तरह से इतना ही इसमें है। तो अब हमने यहाँ क्या करना है, जो आपका प्लान बनेगा इसमें 3 लाइनें बिल्कुल डार्क आनी है, 2 तो ये लाइन है जो ये आपकी फट्टियाँ लगी हुई है 2-2 सेंटीमीटर की, और एक पीछे जो फट्टी यहाँ पीछे लगी हुई है 2 सेंटीमीटर की, वो भी इसमें डार्क आनी है। तो सबसे पहले इधर को फट्टियाँ लगी हुई है, तो हमने यही फट्टी जो है वो प्लान में भी बनानी है नीचे इस तरह से, ये आपकी ऐसे डार्क आ जाएगी, यहाँ पे भी ये बिल्कुल इसी तरह से ऐसे डार्क आ जाएगी। और यहाँ पर हम इसका प्रोजेक्शन भी ले सकते हैं और हम माप भी सकते हैं, तो जैसा भी आपको उचित लगता है आप कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ से इसका प्रोजेक्शन लेना है साइड में, साइड का प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन में जो आया हुआ है इसी के हिसाब से 2 सेंटीमीटर हम प्लान में ले लेते हैं यहाँ पे इस तरह से, हमने यहाँ निशान लगा दिया है। और अब आप फुट्टे से हम इसमें पूरी लाइन लगा सकते हैं, ये आप देख सकते हैं इस तरह से 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ आप निशान लगा लो और यहाँ पर आप डार्क लाइन इस तरह से, ये हमारा 2 सेंटीमीटर आ गया है। अब ये जो आपके 5-5 के पाए हैं 10 के बाद है, या तो आप इसको नाप लो या फिर आप यहाँ पे उससे सेट स्क्वायर से निशान लगा दो यहाँ पे इस तरह से, ये। और अब आपने क्या करना है यहां से, जैसे ये है आपने ये
जो 2 सेंटीमीटर की आपकी लाइन है, इसमें इसी के अंदर यहाँ पे आपने बस इसके डॉटेड लगाने हैं इस तरह से, और ये जैसे आपका है इस तरह से, आप इस तरह से इसमें डॉटेड लगा सकता है, और ये आपकी स्केल बनके तैयार हो गई है। अब इसमें सिर्फ एक ही कमी बची है और वो है इसमें फुट्टा, या इसमें फुट्टा हमने नहीं बनाया है, तो फुट्टा में ये कार्य आपके लिए रखता हूँ। फुट्टा इसमें ज़रूर आपने बनाना है, स्केल कार्ड यहाँ पे ज़रूर बनना चाहिए। स्केल नंबर 1.10 सेंटीमीटर यहाँ आपने वो बनाना है, ड्रॉ करना है, तभी आपको स्केल के 2 नंबर मिलेंगे, नहीं तो ये जो कार्य आपका बना है ये सिर्फ अभी 22 नंबर का कार्य आपका तैयार हुआ है। इसी तरह से आपने भी इसको अच्छे से अपनी स्केच बुक पे, अपने ड्राइंग फाइल पे बनाना है, तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स ज़रूर मिलेंगे।